वडडांगिया गांव पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने खाले टोला निवासी वडडांगिया समाज के बलराम राजभर के घर जाकर जलपान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि वडडांगिया संवाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पैदल ही वडडांगिया समाज के बलराम राजभर के आवास पर पहुंचे। वहां पर उनके परिजनों ने उनका स्वागत किया और उनके सामने जलपान के लिए लड्डू और पानी लेकर आए, जिसको जेपी नड्डा ने सहर्ष स्वीकार करते हुए ग्रहण किया। इसके अलावा परिवार वालों ने खीर भी बनाया था, लेकिन समय कम होने के कारण भाजपा अध्यक्ष नड्डा खीर का स्वाद नहीं ले पाए। इसके बाद उन्होंने परिवार वालों के साथ फोटो भी खिंचवाया और उनको अपना आशीर्वाद भी दिया तथा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वडडांगिया समाज के बलराम राजभर और प्रियंका ने कहा, आए इसके लिए अध्यक्ष जी का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हम सबके आराध हमारी जीवन में नई आशा किरण लाने वाले हम सभी के आशीर्वाद देने के लिए आए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जो बोलता हूँ बहन की मर्जी बोलता हूँ। भाई आप है बगल में बैठिए, योगी के बगल बीच में आइए। धर्मेंद्र खीर लाए थे हमने, देखिए हमने स्वीकार कर फोटो मारा है। सबसे नहीं धन्यवाद है सांसद जी के साथ उधर आया। मेरा नाम प्रियंका राय है। लड्डू ले गए थे और पानी ले गए थे। तो खाए? जी हाँ खाए। और खीर लेके गए थे तो वो कहीं जल्दी में थे तो चले गए। तो अभी तुम आपसे मिले? जी हाँ। नहीं बलराम राजभर हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय मुख्यमंत्री ने लड्डू खाए हैं और पानी पिए हैं। जैसे खीर हम लोग ले आए हैं, बोले महाराज जी क्या क्या बनाया, उन्होंने खीर बनाया, दाल पूड़ी बनाया है और क्या नाम है दही भी है। तो खीर लाओ तो खीर लाने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक हो गया। हम ऐसे चूक बोले हो गया भैया हो गया, हम लोग को जाने दो, लेट हो रहा है, तो तुरंत निकल लीजिए।